दर्शकों के चहेते माही ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उनके फैंस उदास दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो माही के चौके छक्के नहीं देख पाएंगे। धोनी के रिटायरमेंट को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धोनी को युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया और हेमंत सोरेन ने धोनी के लिए रांची में एक फेयरवेल मैच कराने का प्रस्ताव भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को दिया है। धोनी के रिटायरमेंट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश और झारखंड को गर्व और उत्साह के अनेक क्षण देने वाले माही ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हम सबके चहेते झारखंड के लाल माही को नीली जर्सी पहने अब नहीं देख पाएंगे, लेकिन देशवासियों का दिल अभी भरा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं मानता हूँ हमारे माही का एक फेयरवेल मैच रांची में हो जिसका गवाह पूरा विश्व बने। BCCI से अपील करना चाहूँगा कि माही का एक फेयरवेल मैच कराया जाए जिसकी मेजबानी पूरा झारखंड करेगा। गौरतलब है कि धोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि शाम 7:29 से मुझे रिटायर समझिए। धोनी के पोस्ट के बाद से ही हड़कंप मच गया फैंस में कि उनका माही अब पिच पर नहीं दिखाई देगा। हेमंत सोरेन के साथ साथ माही के फैंस उनके फेयरवेल मैच का इंतजार कर रहे हैं। धोनी ने भारत के लिए आखिरी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले साल जुलाई में विश्व कप सेमीफाइनल खेला था। विकेटों के बीच बेहतरीन दौड़ के लिए मशहूर धोनी इस तनावपूर्ण मैच में 50 रन बनाकर आउट हो गए थे। उस मैच के बाद वो लंबे ब्रेक पर चले गए। भारत के लिए उन्होंने 350 वनडे, 90 टेस्ट और 98 T20 मैच खेले। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 5वें से 7वें नंबर के बीच में बल्लेबाजी के बावजूद 50 से अधिक की औसत से 10,773 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 38.09 की औसत से 4,876 रन बनाए और भारत को 27 से ज़्यादा जीत दिलाई। IPL में 3 बार चेन्नई को जिताकर वो थाला कहलाए। धोनी ने भारत के नाम अनगिनत खिताब किए, लेकिन इन सब के बाद भी फैंस का दिल अभी माही को खेलते हुए देखना चाहता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।